फार्म पे आ गए हैं जी। शाम का टाइम है, आज वजह ये बनी कि लेट हो गए। पहले सब दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से, खुश आमदीद कहते हैं हमारे चैनल पे। आज जरा हुलिया तब्दील लग रहा होगा, मैंने बाल दाढ़ी भी छोटी करवा ली, बालों की भी कटिंग वगैरह करवा ली, अभी थोड़ी सी सेट है। बहरहाल फार्म पे लेट होने की वजह यह थी यार, आज फ्राइडे था तो जुम्मे की तैयारी वगैरह करना, काम काज घर की कुछ छोटे मोटे ये वो, इस वजह से लेट होते रहे। फिर बाइक ख़राब हो गई, बाइक सेट करवानी थी, फिर फार्म पे। अभी चल के आपको दिखाते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं। फिर यार कुछ बातें आपको मैं दिखाऊं, ये एक ठहरी जब भैंस कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। डर यहाँ पे बजी कहीं होता है वो ना हो, बस ये गबो वगैरह को हमारे इनको घास काट डाल दी है। ये यार पता नहीं कमज़ोर हो रहा है, ये मोटा नहीं हो पा रहा इतना घास। इसको तल्ला भी घास भी खिला रहे हैं, दूसरा भी चावल भी डाल रहे हैं। ओहो ओए होए, ये लगता है इसके मारने के इरादे हैं हमें। पीछे हो जा, मारना नहीं है, ये भी चुकन्ने हो गए। मैं जा रहा हूँ। ओहो ये बड़ा डरा दिया यार इसने तो। मैंने कहा अभी आज टक्कर मारती हूँ, मुझे उछाल के फेंक के मारती है। मुर्गियाँ वगैरह इस टाइम खोल रखी हैं, ये देखो इनके काम। ये ना इसी तरह घास के ऊपर बैठ जाते हैं और घास सारे का सारा ख़राब करती हैं। इन्हें पहले टाइम में घास डाल दिया ये वाला काट के, अब ये वाला घास डाल दिया ताकि इनके मुँह का टेस्ट भी तब्दील हो जाए और अच्छे तरीके से घास खाएँ। क्या देख रही हो, हाथ है मेरा, खाना नहीं है ये घास है डाल दिया। अच्छा मुर्गियाँ बाहर आ गई हमारे, एस्ट्रोलॉप वगैरह भी सारी, वो भी गए प्रेग्नेंट है। उसके बाद इसने बच्चा दिया, इसका ये बच्चा छोटा सा जो इसने दिया, अभी भी एक गब्बन है ये। मुर्गियाँ सारी बाहर फिर रही हैं, खोल देते हैं शाम के टाइम। दाना वगैरह खाने के बाद ये अपनी खुराक खुद ढूंढ लेती हैं, ये देखो वो भी घास खाती हैं, ये उड़ के चली गई, वो भाग गई। अंदर देखें इनके दड़बे का क्या हाल है, बंद कर दिया तो सर्दी की वजह से, सर्दियां हो गई हैं ज्यादा। मुर्गियों के अंडे वो जगह बनाई है चाचा सलीम ने कि वहां पे बैठ के अंडे दें, उधर अंडे देती हैं, यहाँ पे अंडे दे देती हैं। भाई ये अंडे वगैरह दे के ना फिर इनके उठा के ले जाते अंडे, क्योंकि सर्दियों में अंडे खाएंगे। अभी देखें इसकी चाबी कहाँ रखी था, चाबी ने ओहो चाबी नहीं है इसकी, चाबी लगती था, चाबी अपने साथ ही ले गए। अच्छा मुर्गियाँ फिरती हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं इस टाइम, सारी की सारी मुर्गियाँ ही नजर आ रही हैं, वाह जी वाह। गायें इतनी बड़ी आगे आ गई कि और कोई चीज नजर ही नहीं आ पा रही। देखो उनका पानी भी पी रही हैं ये, उनके बर्तनों में भी जा रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, आराम से मजा कर रही हैं ये सारी। अंदर रूम में कोई नहीं, अब्बू वगैरह लगता है बाहर पीछे गए हुए, कोई पालक साग वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, कोई दोस्तों को देना होगा कुछ अपने खाने पीने के लिए। अच्छा अब मुझे समझ आई, मैंने काला सूट डाल रखा है ना आज, तो इस वजह से सारे डर रहे हैं आज कि पता नहीं क्या वजह होगी, क्या चीज़ आ गई, ये नहीं पता कि खुद भी काल हैं ये जानवर। एक दूसरों से नहीं डरेंगे, ये हमसे डरते हैं, वो भी आपस में लड़ रही हैं। ये मुर्गा जो मेरा फिर रहा है ये आ रहा है यार, और एस्ट्रोलॉप के क्रॉस का है। अच्छा अंदर चल के बर्ड्स की देखें, बर्ड्स की क्या सिचुएशन है। ये हमारी गायें ये अपनी खुराक मुर्गियाँ सारी खुद ढूंढ लेती हैं, यहाँ से खा पी के ना फुल रच जाती हैं। ओहो ये छित्ती हुई भी है, इससे साइड पे होके जाता हूँ, ये ना हो मुझे मार दे। बड़े गंदे तरीके से ताड़ रही है भाई, मैं दूर हूँ, मैं दूर दूर होके जाता हूँ, एतबार नहीं। कल चाचा अभी को उठा के फेंक के मारा उसने और पता ही नहीं चला, अभी इसका दरवाज़ा ही टूट गया। ये चार पहिए यहाँ पे हम बैठ जाते हैं, ये आ गया हमारा बर्ड रूम। अच्छा ये है फरासत भाई वाली भैंस, इसे प्रेग्नेंट करवा टीका रखवाया था, अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। परिंदों के देखते हैं क्या बच्ची है, अंदर जाके अंदर चलें रूम परिंदों के देखते हैं क्या सिचुएशन है। इसे बॉक्स लगा दिए, ये बेचारा अभी अंदर नहीं जा रहा। ये उसके बाद ये हमारा ग्रीन फिशर, ये अंदर गए लुटिनो, ये भी अंदर है। इसके देखें क्या हालात हैं, हाल वाल खुल जा सिम सिम, ये निकल गई बाहर, ये अपने बच्चों के पास ही बैठे थे। और बच्चे एग से नहीं निकले, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद ये पट्टे अलग किए थे, इनके भी सॉफ्ट फूड वगैरह रखती है, दाना शाना रखती है, इसका देखते हैं मजीद इनके भी बच्चे निकल रखे हैं जी। ये बच्चे आ गए, टेम्परेचर हमारे रूम का 22-23 पे आ गया। और उसके बाद ये आ गया कॉकटेल, कॉकटेल का समझ नहीं आ रहा इन्होंने क्या देने क्या नहीं।
अच्छा ये देखो माशाल्लाह ये पट्ठा भी बाहर आ गया, एक सेल्फ हो गया बहनों का, जो माँ बैठी है बाप बैठा बच्चा साथ बैठा, एक पट्ठा इसका अंदर है अभी। ये ब्लू पास्टल ब्लू, इसका देखो क्या रिजल्ट निकलता है।